हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो व्यूअर्स का अगला सवाल बड़ा कॉमन सा है कि कब लगाएं सीजीएसटी और एसजीएसटी और कब लगेगा आईजीएसटी। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जीएसटी के ये दोनों ही जो स्लैब लगाए जाते हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लगता है, और आईजीएसटी डिफरेंशिएट करके, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा तो आईजीएसटी लगेगा, तो दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो आज के इस पूरे वीडियो में यही बताऊंगा कि दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, कब सीजीएसटी लगाएं, कब आईजीएसटी लगाएं, इन्हीं सब की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कि कब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और कब आईजीएसटी लगेगा, इसके बारे में बात कर ली जाए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करता हूँ, टैली ईआरपी 9 को ओपन करता हूँ। ईआरपी 9 पे ही बात करते हैं, प्राइम पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइम पे तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज मैंने बना दी है, ठीक है। तो ईआरपी 9 पे आते हैं, और चूंकि ईआरपी 9 पे ही रिक्वेस्ट रहती है कई लोगों की कि ईआरपी 9 पे ही समझाया जाए, तो ये ईआरपी 9 ओपन कर दिया यहाँ पर, और स्टार्टिंग में कंपनी बनाने से ही करता हूँ। तो कंपनी बनाने में एक मिनट का टाइम लगेगा, बस सी प्रेस कीजिए यहाँ से, और यहाँ पर कंपनी का नाम दे दीजिए, myshop.com, ये कंपनी का नाम हो गया आपका, एंटर किया। यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, जो आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जैसे जो मेरा एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे स्टेट और कंट्री चूज करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, तो पहले कंट्री देन स्टेट जरूर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपका जो पिन कोड है वो देना है, एंटर करते हुए आ जाइएगा। यहाँ पर काम शुरू होने की डेट आती है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, काम शुरू होने का डेट आएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर आप वॉल्ट पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यस करेंगे ना, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डालिए, तो मैं अपना नाम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में डाल देता हूँ, SURAJ, ठीक है, और एंटर करता हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड मैंने डाल दिया है, और इसी पासवर्ड को अब रिपीट करना है, तो ये पासवर्ड मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया, ठीक है। और ये करने के बाद क्या कर रहा है, यहां पर एंटर करना है, और यहां पर लिखा हुआ है ना, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, या अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आप अपने कंपनी को एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, एंटर करिए और एंटर करते हुए लास्ट तक एंटर करते जाएंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसमें हम अब सीखे, अब देखिए वही चीज की यहां पर जो बता रहा था कि पासवर्ड आपको भूलना नहीं है, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, जो भी पासवर्ड है हमारा, ठीक है। तो ये खुल गई हमारी कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर पहली एंट्री हम रिसिप्ट बाउचर में पास करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कैश होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रिसिप्ट बाउचर में पास करते हैं। लेकिन ये मैटर जो है आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का है, तो हम सीधा सीधा जीएसटी चालू करने के ही ऊपर आते हैं, इसे तो हम टैली की मेन मेन्यू कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। यहां पर हम क्या प्रेस करेंगे, F11 की प्रेस करेंगे, और F11 प्रेस करने के बाद यहां पर आपको दिखेगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन, तो बस S प्रेस कर दीजिए और ये खुलेगा। ये विंडो जब ओपन होगी तो यहां पे यस कर दीजिएगा और एंटर करिएगा, यहां पर भी यस करके एंटर करिएगा, और यहां पर अब जीएसटी चालू करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीकों से जीएसटी फाइल की जाती है, एक तो मंथली और एक क्वार्टरली, तो फिलहाल हम मंथली फाइल करने वाले हैं। और यहां पर आपका जो भी जीएसटी आईएन नंबर आता हो वो जीएसटी आईएन नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे जीएसटी लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से, क्योंकि कंपनी भी तो अभी बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन को अभी छोड़ देना है, इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्जेस, तो इसको छोड़ देना, यहाँ पर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर के यस करिएगा इसको, तो यस करिएगा तो यहाँ देखिए तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और टैक्सेबल, तो आपको इसमें टैक्सेबल रखना है। नील रेटेड वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे जीएसटी तो लगता है लेकिन 0%, और एग्जेम्प्टेड वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 12% का लगा देता हूँ। देखिए ना यहाँ पर ऑटोमेटिक ये डिवाइड हो गया, आईजीएसटी 12% लगेगा, और अगर सेम स्टेट की बात होगी तो सीजीएसटी और आईजीएसटी 6% लगेगा। तो ये कंफ्यूजन तो एकदम क्लियर रही होगी, क्लियर हो गई होगी कि अगर आईजीएसटी लगाएंगे तो 12% लग रहा है, और सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहे हैं तो 60% नहीं, 6% नहीं लग रहा है, दोनों आधा आधा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो टैक्स रेट तो सेम ही रह रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल ए करते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया, यानी हमारे में अब जीएसटी भी इनेबल हो चुका है, चालू हम कर चुके हैं, ठीक है। तो सीधा क्यों ना चले परचेज में, तो आते हैं परचेज वाउचर में, और यहाँ पर अब हम अलग अलग तरीके से टैक्सेस लगा के देखेंगे, ठीक है। तो सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर यहाँ डाल दिया, एंटर किया, और यहाँ पर अगर बात करें कैश की, तो देखिए कैश में जब आप परचेजिंग करते हैं या सेल करते हैं तो आपको क्रेडिटर पार्टी का नेम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पे सप्लायर पार्टी का आप नाम लगा दीजिए, वही क्रेडिटर पार्टी जो भी आपकी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रामू क्रेडिटर, तो ये रामू सी कर देने से पता रहेगा आपको कि ये क्रेडिटर पार्टी है। थोड़ा सा कभी कभी इसमें भ्रम हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, ठीक है। और इनका जो भी जीएसटी आईएन है वो भी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, जो भी इनका जीएसटी आईएन है, ठीक है ना।
यहाँ पे डाल करके एंटर करिए। और अब यहाँ पर परचेस का लेजर आता है, तो यहाँ पे परचेस का लेजर बनाने का तरीका ही यही है कि ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए परचेस अकाउंट, ठीक है। जैसे ही ये लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कैपिटल अकाउंट आ रहा है, तो अब आप सोचेंगे कि ग्रुप क्या सेलेक्ट करें, तो पी प्रेस कीजिएगा तो परचेस अकाउंट आ जाएगा। यहाँ देखिए साइड में परचेस अकाउंट आ रहा है, चूज करके एंटर कर दीजिए और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, अब यहाँ पर स्टॉक आइटम पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो अल्ट सी करके क्या करना है, अल्ट सी करना है और स्टॉक आइटम बना लेना है, ठीक है। तो अल्ट सी किया हमने और स्टॉक आइटम का नाम यहाँ पे देना, जैसे मान लीजिए पल्स है, टाटा संपन्न पल्स है, ठीक है, टाटा टी ए टी ए, तो ये पैकेट में आता है, ये ध्यान दीजिएगा, टाटा संपन्न पल्स, ठीक है, माने दाल, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया और यहाँ पे अल्ट सी करिएगा। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये किलो में बिकेगा तो यहाँ केजी कर देते हैं सिंबल, और फॉर्मल नेम क्या कर देंगे, किलोग्राम कर देंगे, किलोग्राम, ये किलोग्राम कर दिया, एंटर करेंगे। अब यूक्यूसी कोड होता है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहाँ से के प्रेस करेंगे तो देखिए किलोग्राम, किलो लीटर, मिली लीटर, ये सब आ रहा है, तो हमारे में किलोग्राम चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को आधा किलो अगर दाल बेचते हैं आप या खरीदते हैं आप, तो ऐसे में यहाँ पर पॉइंट में आना जरूरी है, तो डेसिमल प्लेसेस मैंने 3 रख लिया, ठीक है। अब यहां से आप चाहे तो जीएसटी को अल्टर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही जीएसटी रखने वाले हैं हम। और यहाँ पे हमने क्या किया, 5 किलो दाल परचेस किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 ही किलो परचेस किया, तो ऐसे में 1 किलो की खरीद रेट पड़ी हमको 90 रुपए, ठीक है। तो बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जीएसटी के तो लेजर है नहीं, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। क्यों सीजीएसटी एसजीएसटी ही, यही सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप रहेगा और यहां पर जीएसटी रहेगा, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि स्टेट सेम है, जो हमारी पार्टी है उसका स्टेट सेम है, इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाएंगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं, ये हो गया। तो देखिए यहां पर तो कैश की बात हो रही है, तो जो भी हमारी पार्टी आ रही है सीजीएसटी आ गया, अब यहां पर एसजीएसटी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एसजीएसटी लगाते हैं, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी ही है और यहां पर स्टेट टैक्स हो गया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, तो ये हो गया 27 रुपए में सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया आपका, ठीक है। अब यहां पर तो टैक्स रेट सेम रहा, ठीक है, 27 रुपए इस पे भी, 27 रुपए उस पे भी। लेकिन अगर कोई क्रेडिटर पार्टी या कहीं की कोई पार्टी अगर, और वो बाहर की हो, आपके स्टेट से अलग हो, ठीक है, तो ऐसे में अल्ट सी करके यहां पर पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देते हैं जो बिल मिला, ठीक है, और यहाँ पे कैश कर देते हैं। अब कैश करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ जो उत्तर प्रदेश है, ये कहीं और का भी तो हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, राजस्थान का होता है, तमिलनाडु का हो सकता है, किसी भी जगह का हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पंजाब कर दिया, तो यहाँ पे रेगुलर रहेगा और एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर परचेज अकाउंट कर देंगे। जैसे ही परचेज अकाउंट करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए वहां से दाल खरीद के आ रही है, तो यहाँ पे टाटा संपन्न दाल है, तो ये ले लिया हमने, और मान लीजिए कि ये 100 किलो आ रहा है, 100 किलो या 200 किलो आ रहा है, 200 किलो, तो 200 किलो कर दिया हमने, एंटर किया, तो 90 रुपए के भाव से ये पड़ रहा है। आप चाहे तो रेट चेंज कर सकते हैं, इसे 80 भी कर सकते हैं, जो भी आपका परचेज रेट पड़ रहा हो वही डालिए, ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप चाहे कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दे, तो ये कैलकुलेट ही नहीं होगा, देखिए ना सीजीएसटी नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट की बात हो गई, तो यहाँ पर लगाना होगा क्या, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का लेजर कैसे बनेगा, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहाँ लिखिए आईजीएसटी, ये लिख दिया, एंटर करिए, एंटर करिए। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, और यहाँ पे जीएसटी कर दीजिएगा, तो जीएसटी कर दिया, और यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा, एंटर करिए, और यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा, एंटर करिए, एंटर करिए, और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1920 रुपए ये कैलकुलेट हो गया। अब इसमें आपको ना तो सीजीएसटी देने की जरूरत पड़ी, ना तो एसजीएसटी, और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर करके नीचे आइए, यहाँ पे लिख दीजिए नरेशन में, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, ठीक है, ऑन कैश, क्रेडिट में तो ये परचेज नहीं हुआ, ये तो कैश में हुआ। अब इसका बिल देख सकते हैं आप, यहाँ से बाहर आइए दो बार ESC बटन प्रेस करके, और यहाँ से दो बार D प्रेस कीजिए, अब देखिए दोनों बिल आपको दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये टाटा संपन्न, ये वाला जो है सीजीएसटी एसजीएसटी का है, तो Alt P करके इसको भी दिखा देता हूँ बिल कैसा दिखेगा। देखिए इसका बिल ऐसा दिख रहा है, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 12% लगा हुआ है, तो 6-6% के हिसाब से डिवाइड हो गया। अच्छा कैसे पता कि 6-6% के हिसाब से डिवाइड ही हुआ है, हो सकता है कि इसमें 12-12% लग गया हो, तो नहीं आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है मैं बताता हूं। देखिए यहां से जब आप अल्ट पी करते हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉन्फिगर का, तो यहां पर कॉन्फिगर पे आएंगे ना, तो नीचे आपको ये देखिए यहां पर प्रिंट सेपरेट कॉलम दिया गया है, और यहां पर आइए जीएसटी वाले में, ठीक है, प्रिंट
जीएसटीआईएन नंबर, बायो डिटेल, प्रिंट आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, तो इस पे आप यस कर दीजिएगा। तो ये यस करके कंट्रोल ए करिएगा ना, आप देखिए इसका प्रिंट आउट। तो जब इसका प्रिंट आउट देखेंगे तो आप देखिए आप सब पे दिखा रहा है कि किस पे कितना लगा है। तो 5 ही किलो दाल परचेस करी गई थी, 1 किलो की कीमत 90 रुपए, तो 5 किलो का कितना हुआ 450 रुपए, और 450 रुपए टैक्सेबल वैल्यू आ गई, और 6% लग गया सेंट्रल टैक्स, ठीक है, उसके हिसाब से 27 रुपए, और 6% लग गया स्टेट टैक्स, उसके हिसाब से 27 रुपए। तो दोनों पे बराबर बराबर लगा है, देखिए ना कहीं कोई दिक्कत है इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ही चीजें क्लियर हुई होंगी। आप देखिए उसका दिखा देता हूं जो आईजीएसटी लगा हुआ है, उसका दिखा देता हूं। ये देखिए ये आईजीएसटी वाला बिल है। तो यहां पर आए, अल्ट पी किया, एंटर किया, अब देखिए इस पे देखिए आईजीएसटी वाले पे, आईजीएसटी वाले पे सिर्फ आईजीएसटी लगा है 1920 रुपए सीधा सीधा, देख सकते हैं। और ये कितना रेट है, रेट कितना है 12% का है, इस पे भी कितना है रेट 12% का। तो आईजीएसटी भी तो सिर्फ अकेले ही लगाना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये जीएसटी बिल तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।